बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश खिदमत हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीके से न्यारी बनाने का आपको तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने गोश्त को, जो हमारे पास 2 केजी था, हमने उबाल के रख लिया है। 3 अदद प्याज जो हमने बारीक बारीक काट लिया है। मसाले इसमें 2 टेबलस्पून नमक, क्योंकि 2 किलो गोश्त है। 2 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टेबलस्पून काली मिर्च, और इसके साथ 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और सबसे अहम बात कि हम दिल्ली न्यारी नेशनल वालों की इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि घरों में बनाने के लिए आपको बहुत ही आसानी हो। सबसे पहले हम पतीले में 1/2 लीटर ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल गर्म हो चुका है। अब हम कटा हुआ प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। हल्का सुनहरा होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज अब सुनहरा होना शुरू हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर कलर में फ़र्क आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब तमाम मसाले जो हमने रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। और आसानी के लिए नेशनल न्यारी मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। पानी साथ साथ लगाएंगे ताकि मसाला गल ना जाए। मसाला तकरीबन हमारा पक चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। वैसे तो न्यारी पकाने का तरीका ये है कि पहले गोश्त को भुना जाए, कच्चे गोश्त को, और इसको फिर बाद में दम पे पकाया जाए। लेकिन आसानी के लिए हमने गोश्त को पहले उबाल लिया है ताकि मज़ीद आसानी हो पकाने में, घरों में या दोस्तों को खिलाने में, दावतों में। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल करने लगे हैं। गोश्त को 5 से 10 मिनट के लिए हम इसमें भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे, साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि गोश्त गल ना जाए। गोश्त की बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इस गोश्त की यखनी जो हमने निकाल के रखी थी उसमें शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह उबाल आने तक हम इसको कवर कर लेंगे। गंदम का आटा चना हुआ हमने तकरीबन 1.5 कप लिया है। इसको पहले पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हम न्यारी में शामिल करेंगे। कोशिश रहे कि आटा सही मिक्स हुआ हो दूध की तरह, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, और तमाम का तमाम आटा बिल्कुल पानी बन जाए। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल दूध की तरह बन गया है। अब हम इसको न्यारी में शामिल करेंगे। अब उबाल इसको अच्छी तरह से आ गया है। आटे को आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे।
और साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे ताकि आटा नीचे लगे ना। हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट इसको हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ताकि आटा बैठ ना जाए नीचे और जल ना जाए। इसमें चमचा हिलाते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि घी इसमें बिल्कुल गायब हो गया जो आटे में पी लिया है, लेकिन ये बाद में जब हम दम पे रखेंगे तो ये घी सारा ऊपर आ जाएगा। अब हम चूल्हा मज़ीद आस्ता करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। दम लगे इसको तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आ गया और हमारी न्यारी तैयार है। निहारी के लिए सबसे बेहतरीन गोश्त बोंग का गोश्त होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी भी साथ लगी हो, लेकिन आपको जो पसंद है उसके भी आप बना सकते हैं और बहुत लजीज डिश बन जाती है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और रेसिपी भी पसंद आई होगी। कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।